आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं क्या कैसे शुरुआत करें। बहुत सारे ग्रामर रूल्स और दुनिया जहां की बातें आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखोगे, बट अगर आपने इंग्लिश सीखना है और आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो कन्वर्सेशनल होना चाहिए। अधिक से अधिक आप कन्वर्स करो, आप बात करो और इसी प्रैक्टिस के दौरान आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश में काफी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो रहा है। अगर आप किताब पढ़ते रहोगे तो ग्रामेटिकली हो सकता है आप सीख जाओ कुछ, बट उसकी प्रैक्टिकल यूज कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा इन योर डेली लाइफ। तो इसी संदर्भ में हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप इसे देखें और जो इसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं इसमें ट्रांसलेशन है। ये एक कन्वर्सेशन है बिटवीन अ बॉय एंड अ फार्मासिस्ट। एक लड़का एक दवाई की दुकान पे जाता है और उससे वो कन्वर्सेशन करता है। ये डेली का कन्वर्सेशन है जो अगर आप भी किसी दुकानदार के पास जाओ तो इस कन्वर्सेशन से आप भी सीख सकते हो कि कैसे आप कन्वर्स कर सकते हो। इन चीजों को जब आप डे टू डे लाइफ में उतारते हो तब आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश के अंदर काफी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखो और अगर नोट्स बना सकते हो आप नोट्स भी बनाओ प्रॉपर ट्रांसलेशन के साथ। ये पूरा वीडियो है आप इसे जरूर देखो। हेलो, नमस्ते। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? नमस्ते, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आई नीड टू बाय सम मेडिसिंस। मुझे कुछ दवाई खरीदनी है। श्योर, व्हाट मेडिसिन डू यू नीड? ठीक है, आपको कौन सी दवाई चाहिए? आई नीड समथिंग फॉर अ हेडेक। मुझे सर दर्द के लिए कुछ चाहिए। ओके, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड द हेडेक? अच्छा, आपको कब से सर दर्द हो रहा है? सिंस यस्टरडे, कल से। आई सी, हाउ ओल्ड आर यू? समझ गया, आपकी उम्र कितनी है? आई एम 9 ईयर्स ओल्ड। मैं 9 साल का हूँ। डू यू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर? क्या आपके पास डॉक्टर का पर्चा है? नो, आई डोंट हैव अ प्रिस्क्रिप्शन। नहीं, मेरे पास पर्चा नहीं है। दैट्स ऑल राइट। डू यू हैव एनी एलर्जीज टू मेडिसिंस? कोई बात नहीं, क्या आपको किसी दवाई से एलर्जी है? नो, आई डोंट हैव एनी एलर्जीज। नहीं, मुझे किसी दवाई से एलर्जी नहीं है। गुड, हैव यू टेकन एनी मेडिसिन फॉर द हेडेक बिफोर? अच्छा, क्या आपने पहले कभी सिरदर्द के लिए कोई दवाई ली है? नो, आई हैवेंट। नहीं, मैंने नहीं ली है। ओके, डू यू हैव एनी अदर सिम्टम्स लाइक अ फीवर और अ कोल्ड? ठीक है, क्या आपको कोई और लक्षण हैं जैसे बुखार या सर्दी? नो, जस्ट द हेडेक। नहीं, सिर्फ सिरदर्द है। ऑल राइट, आई विल गिव यू सम चिल्ड्रंस पैरासीटामोल, इट विल हेल्प विद द हेडेक। ठीक है, मैं आपको बच्चों का पैरासीटामोल दूंगा, यह सरदर्द में मदद करेगा। हाउ ऑफन शुड आई टेक इट? इसे कितनी बार लेना है? यू शुड टेक 1 टीस्पून एवरी 6 आवर्स, बट डो नॉट टेक मोर देन 4 डोजेस इन 24 आवर्स। आपको हर 6 घंटे में एक चम्मच लेना चाहिए, लेकिन 24 घंटे में 4 बार से ज़्यादा ना लें। ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं समझ गया। डू यू नो हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग स्पून? क्या आपको मापने वाली चम्मच का उपयोग करना आता है? यस आई डू। हाँ, मुझे आता है। ग्रेट, मेक श्योर यू टेक इट विथ वाटर। बहुत अच्छा, इसे पानी के साथ लेना। हाउ मच डज इट कॉस्ट? इसकी कीमत कितनी है? इट कॉस्ट 50 रुपीज। इसकी कीमत 50 रुपये है। कैन आई पे विथ कैश? क्या मैं नगद में भुगतान कर सकता हूँ? यस यू कैन पे विथ कैश। हाँ, आप नगद में भुगतान कर सकते हैं। हियर इज 50 रुपीज, ये लीजिए 50 रुपये। थैंक यू, हियर इज योर मेडिसिन एंड योर रिसीट। धन्यवाद, ये आपकी दवाई और रसीद है। थैंक यू, हाउ डू आई स्टोर द मेडिसिन? धन्यवाद, इस दवाई को कैसे रखना है? कीप इट इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम द सनलाइट एंड आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। इसे ठंडी सूखी जगह पर रखें, धूप से दूर और बच्चों की पहुंच से बाहर। ओके, आई विल रिमेम्बर दैट। ठीक है, मैं याद रखूंगा।
Do you need anything else? Maybe vitamins or something for your parents? क्या आपको कुछ और चाहिए? हो सकता है विटामिन्स या आपके माता पिता के लिए कुछ? No, that's all for today. Thank you. नहीं, आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद. You are welcome. Take care and get well soon. आपका स्वागत है. ध्यान रखें और जल्दी ठीक हो जाएं. Thank you very much. Goodbye. बहुत धन्यवाद. अलविदा. Goodbye. अलविदा.